अब मेरे खुद के एक जो अंतरात्मा की आवाज़ सुन के मैंने निर्णय लिया था, उससे उन्हीं के करियर को जो एक संजीवनी मिली है। कगरेट विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी चैतन्य शर्मा ने शक्ति प्रदर्शन के बीच नामांकन पत्र दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर विशेष रूप से चैतन्य शर्मा के नामांकन पत्र कार्यक्रम में पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के भंजाल से रोड शो करते हुए गगरेट उपमंडल मुख्यालय में दस्तक दी। वहीं नामांकन भरने के बाद गगरेट में ही विशाल जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेताओं ने जहां केंद्र सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धियां बताई, वहीं प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस की सरकार की जन विरोधी नीतियों से अवगत करवाया। देखिए, इस उपचुनाव में और जो ये लोकसभा के चुनाव हैं, इसमें मुख्यमंत्री जी को और कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश की सरकार को जो धोखा उन्होंने जनता को दिया है, उसका जो है जवाब जनता की तरफ से मिलेगा। और ये जो 15-20 दिन का टाइम है, इसमें मुख्यमंत्री को अपनी तरफ से स्पष्टीकरण करने चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने देश जन विरोधी भावनाओं को आगे बढ़ावा देते हुए, देश भावना को आगे दिखाते हुए उन्होंने ये 15 महीने का जो एक ये काला काल चलाया हिमाचल प्रदेश सरकार का, उसमें उन्होंने इतना बड़ा विश्वासघात जनता के साथ क्यों करा। आज ये इसका परिणाम है कि 40 में से 6 विधायकों का जो है उपचुनाव हो रहा है, और 6 ये जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में तो बनी रही है, अनुराग सर 5वीं बारे हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, और साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस प्रत्याशी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप आप पर लगा रहे हैं, और आपके पिता का नाम भी वो लगातार। देखिए, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1.5 साल के लिए कांग्रेस पार्टी को भी एक डूबता हुआ जहाज बुलाया था। ये वही प्रत्याशी हैं जिन्होंने 1.5 साल से इसी मुख्यमंत्री से सवाल पूछे थे कि 1500 रुपये कैसे दिए जाएंगे, 1 लाख नौकरियां कैसे दी जाएंगी। तो ये जो प्रत्याशी हैं, इनको खुद के गिरबान में झांक के देखने की ज़रूरत है। मुझे चुनाव हराने के लक्ष्य से वो खुद ही 1.5 साल पहले कांग्रेस पार्टी का अपना 35 साल का इतिहास छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे। अब मेरे खुद के एक जो अंतरात्मा की आवाज़ सुन के मैंने निर्णय लिया था, उससे उन्हीं के करियर को जो एक संजीवनी मिली है, वरना वो तो इधर उधर भटक रहे थे। तो उनको अपना बताना चाहिए कि मिशन क्या है, विजन क्या है। ये बेबुनियादी फालतू की बातें करके जो जनता है वो बहुत ज़्यादा समझदार है, उनका ध्यान जो है वो भटकाया नहीं जा सकता।